तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? स्वागत है मेरा चैनल जिसका नाम है 3S लर्न इलेक्ट्रिकल वायरिंग। फ्रेंड्स, मैं इसमें इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरा चैनल में नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये हमारा जो मोटर है, मोटर का स्टार्ट और स्टॉप यूजिंग वन पुश बटन। जैसा कि हमारा कोई भी लाइट है, कोई मोटर है, तो उसको चालू बंद करने के लिए एक ही पुश बटन से ही बंद चालू होगा। तो उसके लिए मैं एक डायग्राम बनाया हूँ और वो ये पास में रखा हूँ। दो रिले, एक कॉन्टेक्टर है और एक पुश बटन है। इसका वायरिंग मैं करके आपको दिखाऊंगा और उसके बाद डायग्राम को आपको एक बार समझाऊँगा कहाँ पर कैसे होता है। तो अभी मैं शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, क्या करने का है मेरे को, यहाँ से जैसा पावर सप्लाई दूंगा, जैसा डायरेक्ट पावर आएगा हमारा कहाँ पर, ये पुश बटन 3 नंबर में आएगा और हमारा R1 जो है उसमें 3 नंबर में आएगा। R1 जो हमारा ये है R1, इसका 3 नंबर में आएगा और K1 कॉन्टेक्टर जो है हमारा 13 नंबर में आएगा। ये तीनों का मैंने पहले कनेक्शन कर देता हूँ। ये सब ये NO है, ये भी NO है, ये भी NO है, तो इसका मैं पहले कनेक्शन कर देता हूँ अभी। फ्रेंड्स, इसमें मैं अभी 3 नंबर में कनेक्शन करता हूँ अभी। फ्रेंड्स, ये 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन 20 मिनट आपको देना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको ये 20 मिनट में बहुत कुछ समझने में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अभी मैं 3 नंबर में कनेक्शन कर दिया अभी। तो अभी मेरे को कहाँ करने का है, ये तो 3 नंबर में हो गया है। दूसरा एक जाएगा हमारा 3 नंबर में R1 में और तीसरा एक जाएगा हमारा K1 13 नंबर में। इसका भी कर देता हूँ अभी। ये हमारा 13 नंबर है कॉन्टेक्टर, इसमें भी ले लेता हूँ एक। K1 में 13 नंबर में ये आ गया हमारा। ये 13 नंबर में आ गया है और एक आएगा हमारा कहाँ पे, ये R1 3 नंबर में। R1 3 नंबर क्या है, ये है हमारा R1 3 नंबर में आएगा। ये हो गया हमारा। ये जैसा मैंने इसको इधर से मैं पावर दूंगा तो ये क्या होगा, ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा पुश बटन में 3 नंबर में आ जाएगा और इधर है हमारा 13 नंबर में आ जाएगा इधर NO में, और ये हमारा R1 जो है इसमें आ जाएगा हमारा 3 नंबर में। ये मैं इसका निकाल देता हूँ, बाद में इसको लगाऊंगा, थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत होगा। फ्रेंड्स, अभी दूसरा क्या करने का है, ये हमारा तो हो गया है। अभी ये जो 4 नंबर से जो निकलेगा हो यार, ये हमारा आएगा कहाँ पे, K1 जो है कॉन्टेक्टर, इसमें 21 नंबर में आएगा और उसी में और एक आएगा हमारा R1 1 नंबर में आएगा और उसी से और एक हमारा आएगा L1 जो K1 है इसमें आएगा NO में और उसी से एक और हमारा आएगा 3 नंबर में, 3 नंबर जो R1 3 नंबर में। इसका भी कर देता हूँ अभी। ये 4 नंबर है, 4 नंबर में अभी लगा रहा हूँ। चार नंबर में लगाया, 4 नंबर से हमारा आएगा कहाँ पे, ये K1 21 नंबर में। ये हमारा K1 21 नंबर है, NO है। ये 21 नंबर में आ गया और उसके बाद हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा आएगा R1 1 नंबर में। R1 है ये हमारा, ये है हमारा R1 है, ये इसमें 1 नंबर में आएगा। 1 नंबर कहाँ पे है, ये है इधर 1 नंबर है। ये फ्रेंड्स, ये है रिले का जो कंट्रोल है, कनेक्शन है, उसका नंबर दिया हूँ मैं इधर से, आपको दिखेगा नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ पे बनाया हूँ। 1 नंबर में आ गया है और उसी से एक और जाएगा हमारा L1 में और हमारा R2 3 नंबर में, तो L1 में जाएगा। इधर से मैं ले लेता हूँ, जैसा ये 4 नंबर है तो ये 21 नंबर से एक ले लेता हूँ, कहाँ पे दूंगा, L1 में और ये 3 नंबर में। L1 हमारा इधर है और इसका 3 नंबर कहाँ है, ये 3 नंबर इधर है। ये अभी 21 नंबर से मैं ले रहा हूँ L1 में। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, आप आधा देख के छोड़ दोगे तो आपको क्या समझने में आएगा नहीं, और आपका जो टाइम है वो टाइम भी आपका वेस्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ पूरा देखिए। ये ले लिया मैंने, तो और एक हमको क्या करने का है, और L1 में लेना होगा तो लेना होगा 1 नंबर में, इसमें किसी में भी लेके 3 नंबर को देने का है, R2 का 3 नंबर को। जैसा इसमें लिया मैंने 1 नंबर, इसी से मैं लेके 3 नंबर में दे देता हूँ। फ्रेंड्स,
मैं डियल स्टार्टर का एक वीडियो बनाया हूँ कंट्रोल वायरिंग का, तो उसको आपको देखना होगा, तो मैं आई बटन में दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसे आपको नया नया वीडियो लेके आऊँगा। और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और आपका दोस्त को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा पूरा कंट्रोल हो गया, इधर कनेक्शन हो गया, तो इसी से हमको क्या करने का है, ये किस नंबर में आ गया है, ये 22 नंबर से लेने का है एक वायर, ये R2 11 नंबर में लगाने का है, और 11 नंबर से जो निकलेगा 8 नंबर, 8 नंबर से फिर हमको लेने का कोयल का जो R1 है 10 नंबर में, इसका भी कनेक्शन कर देता हूँ अभी। ये 22 नंबर है, 22 नंबर ले रहा हूँ, कहाँ पे जाएगा, 11 नंबर में। 11 नंबर कहाँ है हमारा, ये है 11 नंबर, R2 का है 11 नंबर, ये है 11 नंबर इधर आ गया। ग्यारह नंबर में आ गया, 11 नंबर से निकलेगा 8 नंबर, 8 नंबर से हमारा आएगा 10 नंबर में। 8 नंबर कहाँ है, ये 8 नंबर है, ये हमारा 8 नंबर, 8 नंबर से हमारा आएगा 10 नंबर, 10 नंबर कहाँ है, ये है, तो इधर से वायर इधर एक आएगा। आ गया हमारा 11 नंबर से, हमारा आ गया 11 नंबर से, 11 नंबर से जो 8 नंबर निकला है, 8 नंबर ये है, 8 नंबर से निकला हमारा आ गया कहाँ पे, 10 नंबर में, 10 नंबर ये इधर है, 10 नंबर है, 10 नंबर इधर आ गया। ये हमारा हो गया, तो इसको होल्ड करने के लिए क्या करने का है, ये K1 को, तो हमको क्या करने का है, ये एक नंबर से जो आ गया था यार, वो जो आया है 4 नंबर में निकलेगा, R1 का जो 4 नंबर है, 4 नंबर ये हमारा इधर है, तो इसी से हमको कहाँ पे देने का, 22 नंबर में देना होगा तो देना होगा, 11 नंबर में देना होगा तो देने का, K1 22 नंबर में देना होगा तो होगा चलेगा, तो अब R2 जो है 11 नंबर में देना होगा तो भी चलेगा, तो मैं इसका 4 नंबर का वायर लेके मैं क्या करता हूँ 22 नंबर में लगा देता हूँ। चार नंबर में लगाया मैंने, तो इसको मैं कहाँ करता हूँ 22 नंबर में लगा देता हूँ। 22 नंबर कहाँ है हमारा, ये है, ये जो हमारा 22 नंबर K1 का जो 22 नंबर है, ये हमारा ये K1 का 22 नंबर इधर है, मैं इसको लगा देता हूँ। ये हमारा स्टार्ट का जो है वो होल्ड के लिए हो गया है हमारा, तो इसके बाद हमको क्या करने का है, तो ये जो है हमारा ये हो गया स्टार्ट का, रिले का कंप्लीट हो गया है, अभी हमको क्या करने का, ये रिले जो है हमारा अभी ऑफ वाला रिले है R2 जो है, इसका भी करने का है, तो इसको क्या करने का है, तो इसका जो मैं तो ये कनेक्शन कर दिया है, पहले L1 का तो हो गया है, इसमें जो T1 है, T1 इधर है, इसी से निकलेगा हमारा कहाँ पे जाएगा, हमारा जो जाएगा R2 जो है 6 नंबर में, 6 नंबर से निकल के आएगा हमारा कहाँ पे, R1 11 नंबर में, R1 11 नंबर से निकलेगा जो 8 नंबर आएगा, 8 नंबर में निकलेगा, 8 नंबर से हमारा आएगा कहाँ पे, 10 नंबर में, 10 नंबर जो हमारा कॉयल है R2 का उसी में आ जाएगा। अभी है ये हमारा T1, ये हमारा T1 हो गया, तो इसको मैं ले रहा हूँ कहाँ पे, 11 नंबर में दे रहा हूँ अभी, ये जैसा T1 है, T1 से हमारा 11 नंबर में, ये 11 नंबर कहाँ है, इधर 11 नंबर, ये हमारा 11 नंबर, ये हमारा 11 नंबर है। ग्यारह नंबर में इसका दिया, इसी से अभी लेने का मेरे को काम है 11 नंबर का, ये जो R2 है 6 नंबर में, 6 नंबर को इस दोनों को लूप करने का है, तो 6 नंबर को लाके इधर भी लगा देता हूँ, 6 नंबर इधर कहाँ है हमारा, 6 नंबर इधर है, तो ये 6 नंबर इधर है हमारा, ये आएगा हमारा कहाँ पे, ये इधर आ जाएगा। छः नंबर लग गया है, 6 नंबर से कहाँ पे आएगा हमारा, ये जो 6 नंबर से कहाँ पे आएगा, 11 नंबर आएगा, और नहीं होगा तो हमारा T1 में, T1 में नहीं, मैं 11 नंबर में इसको लगा रहा हूँ, ये R1 है, 11 नंबर में इसको लगा रहा हूँ। ग्यारह नंबर लगा दिया मैंने, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद हमको क्या करने का है, ये बाकी है हमारा, ये बाकी है, तो कहाँ पे आएगा हमारा R1 जो है 6 नंबर, 6 नंबर से हमारा आएगा R2 एक नंबर में, और इधर से हमारा K1 का जो है 14 नंबर, ये इसी के साथ लूप होगा,
और इसी से हमारा ये जो आ गया एक नंबर में, एक नंबर से आर वन आर टू का जो एक नंबर, एक नंबर से निकलेगा पाँच नंबर में, पाँच नंबर हमारा आ जाएगा ए वन में, तो इसका भी कनेक्शन करता हूँ। ये है के वन का 14 नंबर है, ये हमारा के वन का 14 नंबर है, तो ये हमारा आर वन 6 नंबर, आर वन 6 नंबर में लगा रहा हूँ इसको, आर वन 6 नंबर में लगाता हूँ। 6 नंबर कहाँ है, ये है फ्रेंड्स, तो इधर 6 नंबर है फ्रेंड। ये हो गया 6 नंबर, 6 नंबर से और एक वायर जाएगा हमारा कहाँ पे, आर टू एक नंबर में, आर टू एक नंबर कहाँ है फ्रेंड्स, इधर है, तो ये है, यहाँ से एक वायर आएगा इधर, यह हो गया फ्रेंड्स, तो इसी से हमारा आएगा कहाँ पे, एक नंबर में, ये कहाँ पे है एक नंबर में, एक नंबर कहाँ है इधर है फ्रेंड्स। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको समझने में थोड़ा आसान रहेगा है फ्रेंड्स। अभी इसका लगा दिया मैंने, ये न्यू हमारा जो ये आर टू है, आर टू का पाँच नंबर से हमारा आएगा ए वन में, ए वन जो है के वन का जो हमारा कॉन्टेक्टर है उसमें ए वन में आएगा, ए वन हमारा इधर है, तो ये हमारा जो पाँच नंबर कहाँ है, पाँच नंबर इधर है, तो इसी से हमारा जाएगा कहाँ पे, ये पाँच यहाँ से जाएगा हमारा ए वन में, जैसे यहाँ पे पाँच नंबर से हमारा आएगा ए वन में, तो इधर से मैं इसको लगा देता हूँ अभी फ्रेंड्स। ये रिले जो यूज किया मैंने, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाया हूँ, मैं आई बटन में उसको लगा देता हूँ फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स, और नहीं होगा तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये पूरा कंप्लीट हो गया है, एक जगह है अभी बाकी है, वो कहाँ पे है, ये जो है इसको, इसका जो कॉयल है इसको ऑन करने के लिए है, तो इसको हमारा जो है आठ नंबर से दो नंबर में आने के लिए है, आठ नंबर से दो नंबर, जैसे यहाँ पर आठ नंबर कहाँ है, ये है आठ नंबर, ये आठ नंबर आर वन से आएगा, आर वन आठ नंबर से आएगा हमारा आर टू दस नंबर में, आर टू दस नंबर हमारा जो कॉयल है, तो आर टू है हमारा आठ नंबर है, आर वन आठ नंबर है, आर टू से आर टू का जो हमारा ये दस नंबर में, यहाँ से एक बाकी है। ये हो गया कंप्लीट, हमारा कंप्लीट हो गया, खाली हमको न्यूट्रल ही देने का है, न्यूट्रल दे के इंडिकेटर चालू करने का है, इंडिकेटर कनेक्शन बाकी है, न्यूट्रल का बाकी है फ्रेंड्स। इसका इंडिकेटर का कनेक्शन मैंने कर दिया है, उसका इंडिकेटर का जो एक्स वन है उसका से वायर लेके मैंने के वन जो कॉन्टेक्टर है उसका 14 नंबर एनओ में मैंने लगा दिया हूँ फ्रेंड्स। इसका सब न्यूट्रल मैंने कॉमन कर देता हूँ, जैसा कि हमारा ए टू आएगा, ए टू से एक्स टू, एक्स टू से दो नंबर आर वन का और आर टू का दो नंबर, सबका कॉमन हो जाएगा, इसका कनेक्शन मैंने अभी कर देता हूँ फ्रेंड्स। ये हो गया ए टू का, इसमें हमारा एक्स टू में आएगा, ये हमारा एक्स टू में आएगा, इंडिकेटर का भी हो गया फ्रेंड्स और कॉन्टेक्टर का भी हो गया, इसके बाद हमारा आएगा ये दो नंबर में, ये दो नंबर आर वन दो नंबर में। ये दो नंबर में आ गया, उसी से फिर जाएगा हमारा ये आर टू का दो नंबर में, और ये हमारा एंड हो गया है, यहाँ से आगे हमारा पावर में जाएगा, ये हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा न्यूट्रल, ये हमारा हो गया फेज। अभी इसको टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, पहले ये लगा देता हूँ, बाद में हमको टेस्ट करने का है। हो गया फ्रेंड्स, इसको भी मैं पावर देता हूँ फ्रेंड्स, अभी मैंने इसका पावर दे दिया मैंने अभी, तो इसको मैं अभी चालू करके एक बार देखता हूँ अभी, ये हमारा चालू हो गया,
बंद हो गया है, चालू हो गया, बंद हो गया। फ्रेंड्स ऐसे ही आपको इसका कंट्रोल वायरिंग करने का है। फ्रेंड्स अभी मैं दोबारा आपको ये डायग्राम पूरा समझा देता हूँ। फ्रेंड्स ये हमारा जो है न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल पूरा है, पूरा कॉमन है, पूरा सबके साथ न्यूट्रल कॉमन हो गया है। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो फेज है ये फेज सीधा जाएगा कहाँ पे, हमारा आएगा पुश बटन में, पुश बटन का 3 नंबर में आएगा। और उसी में एक वायर जाएगा हमारा कहाँ पे, R1 है, रिले है, R1 रिले जो है उसमें हमारा 3 नंबर में आएगा, 3 नंबर जो N वाला में जाएगा, ये 3 नंबर हमारा इधर है तो उसी से फिर निकले 3 नंबर में आ जाएगा। और उसी में एक फिर एक्स्ट्रा जो हमारा और एक वायर जाएगा हमारा कहाँ पे, K1 कॉन्टेक्टर है, उसमें 13 नंबर में जाएगा, 13 नंबर में जाएगा हमारा NO में, ये NO में चला जाएगा। इसके बाद हो गया ये हमारा। फिर उसके बाद हमारा क्या करने का है, ये जो पुश बटन ऑन पुश बटन है तो ये हमारा जो है 4 नंबर है, ये 4 नंबर से हमारा जो एक वायर आएगा हमारा कहाँ पे, K1 कॉन्टेक्टर है, वो NC में आएगा, 21 नंबर में आएगा, 21 नंबर से निकलेगा 22 नंबर में, 22 नंबर पर सर 22 नंबर से फिर क्या करेगा, 22 नंबर से फिर वायर हमारा आएगा R2 जो है, R2 जो रिले है 11 नंबर में आएगा, 11 नंबर से फिर वो ये NC है, इसी से फिर एक वायर निकलेगा हमारा 8 नंबर का जो वायर है वो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा कहाँ पे, वो R1 जो रिले है स्टार्ट वाला उसका 10 नंबर में आ जाएगा, ये कॉयल में आ जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट इसको चालू करने के लिए आ जाएगा, लेकिन इसको जब चालू करने के लिए जो आएगा, जो भी हमारा ये कॉन्टेक्टर लग जाएगा, ये यहाँ पे क्या होगा, ये NC जो है कॉट हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो इसको होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहीं से हमको क्या करने का, R1 का जो उसका R1 का NO है उसको हमको यूज करने का है, वो 1 नंबर में लगाना पड़ेगा, 1 नंबर से हमको 4 नंबर में, 1 नंबर से 4 नंबर में लगाने का, 1 नंबर में इधर से डायरेक्ट आके 1 नंबर में लगाने का, 4 नंबर से हमको ला के 1 नंबर में लगाने का, और इसी से जो निकलेगा 4 नंबर का यार, इसको हमको 22 नंबर नहीं होगा तो 11 नंबर इसमें किस में लूप करने का है। जब इसको हमको दबाने का इसको, तो क्या होगा, डायरेक्ट पावर इधर हमारा आ जाएगा कहाँ पे, सीधा K1 NC में आ जाएगा, इसी से डायरेक्ट हमारा आ जाएगा R2 में NC में, NC में आके डायरेक्ट हमारा कॉयल ऑन हो जाएगा, कॉयल हो जाएगा, हमारा कॉन्टेक्टर भी उसके बाद ऑन हो जाएगा, कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, यहाँ पे क्या होगा, कॉट हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, होल्ड हो जाएगा, इधर से सप्लाई के होल्ड हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या है, इसको स्टार्ट करने के लिए। हमको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब फिर दोबारा बंद करना, जब बंद करना होगा तो इसको छोड़ के फिर दोबारा दबाना पड़ेगा। ये तो हमारा कॉट हो गया है, कॉन्टेक्टर हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन है, तो ये बंद होगा ना, तो हमारा डायरेक्ट जो सप्लाई फिर क्या होगा, इसमें आ जाएगा हमारा K1 में, क्योंकि ये K1 कॉन्टेक्टर जो है ये लगा होगा ना, तो इसमें डायरेक्ट हमारा सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट L1 से डायरेक्ट हमारा आएगा T1 में, ये NO में, ये डायरेक्ट इधर आ जाएगा। हमारा R2 जो R1 जो रिले है ये बंद है, तो इसका NC में आएगा, NC से डायरेक्ट हमारा 11 नंबर से 8 नंबर में आ जाएगा, 8 नंबर से डायरेक्ट हमारा क्या होगा, R2 जो कॉयल है वो 10 नंबर में आ जाएगा, ये हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये जब फिर ये ऑन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कॉटअप करने के लिए ये R2 है, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, ये जब कॉटअप हो जाएगा तो हमारा ये जो इधर जो NO लगा हुआ है ये कॉट हो जाएगा। तो इसको फिर क्या करने का, होल्ड करने के लिए ये 3 नंबर जो वायर है, 3 नंबर से हमारा R2 का 3 नंबर से 6 नंबर में, 3 नंबर से ये यहाँ से 4 से ये जो ऑन पुश बटन है 4 नंबर से हमको 3 नंबर पे लेने का है R2 का रिले में। तो उसी से फिर एक निकलेगा हमारा 6 नंबर का है, उसको क्या करने का, T1 नहीं होगा तो R1 11, इसमें दोनों में किसी में लूप करने का है। तो ये हमारा क्या होगा, ये जब लगेगा ये जो पॉट हो जाएगा इसी से हमारा सप्लाई इधर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, होल्ड हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। इसको फिर जैसा ये हो गया हमारा क्या है, ये तो हमारा बंद जैसा स्टार्ट करने का, बंद करने का है, और हमारा कॉन्टेक्टर कैसे ऑन करने का है, जैसा कि कॉन्टेक्टर हमारा जैसा R1 है, R1 3 नंबर में जैसा पावर आ गया है, तो इधर R1 जब लग जाएगा तो हमारा 3 नंबर से 6 नंबर में वायर आ जाएगा, 6 नंबर में 3 नंबर से 6 नंबर में पावर आ जाएगा, वो पावर डायरेक्ट क्या होगा, R2 बंद है तो उसमें 1 नंबर में आ जाएगा, 1 नंबर से हमारा 5 नंबर में आ जाएगा, 5 नंबर डायरेक्ट हमारा A1 में आ जाएगा, A1 हमारा K1 कॉन्टेक्टर है, ये ऑन हो जाएगा, A1 कॉइल में आ जाएगा तो ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा तो ये चालू हो जाएगा हमारा। तो ये फिर क्या होगा, ये तो जब चालू करने के लिए, जब इसको छोड़ना पड़ेगा तो हम कॉन्टेक्टर को होल्ड करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 13 नंबर में ऑलरेडी पावर आया है, तो ये हमारा जब 13 नंबर का कॉन्टेक्ट में वो K1 कॉन्टेक्टर लग जाएगा NO, तो हमारा 13 से 14 में आ जाएगा, 14 से हमारा रिटर्न उल्टा पावर इधर आके हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स तो इसको तो ये चालू करने के लिए है, जब बंद करना होगा तो हमारा जो R2 जब बंद होगा, जब लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे कटअप हो जाएगा, ये NC है, ये NO बन जाएगा, NO बन जाएगा तो हमारा पावर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा। ये इंडिकेटर ऐसे ही है, इंडिकेटर न्यूट्रल इधर लगा दिया तो हमारा जो है
जैसे कि के वन होल्ड होगा तो हमारा इंडिकेटर चालू हो जाएगा। इधर से जैसा 3 नंबर का जो हम आर वन ऑन रिले है ये भी लगेगा तो हमारा इंडिकेटर चालू हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको दोबारा एक बार चालू करके आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड पावर दे दिया, अभी इसको मैं चालू करता हूँ। चालू हो गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स रिले के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, ये रिले के बारे में एक वीडियो बनाया हूँ, आप एक बार वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें आपको समझने में आ जाएगा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, और आप मेरा चैनल में नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।